आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस दे विच बीती दिनी झड़प हुई सी जिस तो अते कांग्रेस दे नाल मिल के मामला दर्ज करन दे आरोप आम आदमी पार्टी वालों लगाए जा रहे हैं। तहताज अमृतसर दे पुलिस कमिश्नर दे दफ्तर दे बाहर आम आदमी पार्टी दे वर्करा वालों प्रोटेस्ट किया गया। उथे उन्हां दी मांग है कि आम आदमी पार्टी दे खिलाफ झूठा पर्चा दर्ज किया गया है जिस नूं रद्द किया जाए अते उन्हां ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी दे वर्करा वालों पहला साडे नाल कुटमार की गई अते जान बूझ के पुलिस नूं साडे खिलाफ जाती सूचरण दे आरोप लगाए गए हैं। उथे नाल ही कहा कि जिन्नी देर तक साडे वर्करा नूं इंसाफ नहीं मिल जाता उदों तक इसे तरह की असी प्रदर्शन करते रहांगे। अगे कहा कि कांग्रेस भी मामला दर्ज होना चाहिदा है जिन्हां दी वीडियो सोशल मीडिया ते काफी वायरल हो रही है। अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह दी रिपोर्ट लाइव भारत। देखो असी अल्टीमेटम दिता सी 4 दिनां दा सरकार नूं वी ते पुलिस नूं वी कि साढ़े जिहड़ा झूठा परचा दर्ज होया साडे जिहड़े 4 बंदिया ते अते 2 अननोन परसन रखे सीगे जिहदे विचों इक डाबर नूं गिरफ्तार किया सी इन्होंने अज 10 दिन हो गए उन्हूं गिरफ्तार होया तो पहले उन्होंने इलीगल कस्टडी भी रखा गया 13 तरीक का वो शख्स में पुलिस ने अपनी कस्टडी रखे वो बाद जेल से भेज दिता। गल हैगी कि सारा वाकया जोड़ा है वो CCTV कैमरे से रिकॉर्डिंग हुई है वो साडे बंद कोई अफेंस नहीं बनता जबकि 4 बंदे 4 कांग्रेस के गुंडे जिन्हों सोनू सीगा राहुल सीगा बबलू सीगा रिंपा सीगा तो खास तौर पर यह सारी कॉन्सपरेसी जिन्हें बनाई जिन्हें SC ST एक्ट में मिसयूज़ किया वो कौंसलर खन्ना तो इलाके का MLA खन्ने का बेटा भी थाने जाके हुलड़बाजी करके गया उत्थे 2-3 कौंसलर होर सीगे और सानू बाजार दे विच ते जिहड़े साडे वलंटियर्स नू कुटमार होई होई जिहड़ी थाने च कुटमार होई पुलिस उन्हू अनदेखा नहीं कर सकती। असी कमिश्नर साहब नू इसे कारण 4 दिन की कहा कि साडे कोल वीडियो रिकॉर्डिंग है वीडियो रिकॉर्डिंग देखो शहरे बाजार सानू कुटिया जा रहा साडे वलंटियर्स नू मारिया जा रहा है 4 बंदिया ते अज तक क्रॉस पर्चा नहीं दर्ज होया जिन्होंने सानू कुटिया सी लेडी जिहड़ी मुदई बनी हुई है वो वाला तो पकड़ पकड़ के डीसी नू कुट रही सीगी ते हस रही सीगी जे किसी जात पात का किसी ने कोई क्या हुंदा ते कदी उहदे मुँह चों हासा नहीं निकलता और वो मूवी ते भी पुलिस यकीन नहीं कर रही उहनू एविडेंस दे तौर ते नहीं लै रही और सब तो बेस्ट एविडेंस जिहड़ा थाने दे विच CCTV कैमरे लगे ने थाने दे विच जिहड़ी गुंडागर्दी हुलड़बाजी कांग्रेस दे वर्कर्स ने कीती है कि पुलिस साइलेंट क्यों है पुलिस उन्होंने परचा क्यों नहीं दर्ज उन्होंने तो पुलिस के मुलाजमान को भी मार पैंदी है गालां कढ़ियां धमकियां दित्तियां ने कि लगता नहीं कि पुलिस जिहड़ी आ उह सरकार दे दबाव हेठ काम कर रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल सानू तो इस तरह ही लग रहा पुलिस तो एक रखैल की तरह काम कर रही है जी सरकैल की रखैल बन के काम कर रही है। साढ़े पिछले कमिश्नर साहब को असी 4 बारी हो गए साढ़े 4 वलंटियर से झूठे परचे दर्ज हुए थे असी तो शुक्र किया कि कमिश्नर साहब बदल गए सानू तो कमिश्नर साहब लगते ही नहीं सानू लगता जी सोनी के कमिश्नर साहब ने वो अमृतसर के कमिश्नर साहब नहीं थे वो सिर्फ सोनी MLA के या कैबिनेट मिनिस्टर के धरना कदों तक चलेगा। देखो जी साढ़े जे साढ़े बंदियां दे उत्तों परचा खारिज नहीं करते तो जेरे को अक्यूज है जेरे के काउंटर जिन्होंने सानू मार्गटाइज की साढ़े वलंटियर उन्होंने अगर क्रॉस परचा दर्ज नहीं होएगा तो असी इतों नहीं उठा जी असी रैगूलर रोज़ आवेंगे रोज़ इतने बैठा रैगूलर बैठा जिन्नी देर क्रॉस परचा नहीं दर्ज करते क्योंकि सारी मूवी बनी है वीडियो फिल्म बन गई है वीडियो फिल्म से शहरे बाजार सानू मार रहे हैं तो परचा दर्ज करने कमिश्नर सानू हुण काहदी दे रही है 4 दिन का अल्टीमेट दिता 7 दिन बाद आए कि रखड़ी का त्यौहार खराब ना हो और ऑफिसर भी नवे आए थे असी उन्होंने बड़ी बड़ी तारीफ सुनी है कि कमिश्नर साहब जो पोलिटिकल इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते क्रॉस परचा करवाना चाहते जे कि फिर जो परचा थोड़े से रद्द कर दोनों मंगा जी साड़ी साडा परचा तो असी तो जात पात का किसी कह नहीं सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है किसी को जात को लैके पात को कह गया एक शब्द नहीं वरत्या गया जिहड़े मेन मुजरिम है जिन्होंने सानू बाजार च पब्लिक प्लेस से भी कुटिया और जो वो कुट रहे थे पुलिस के मुलाजम ही खड़े थे सारी वीडियो बनी हुई है वो पुलिस के मुलाजम मौजूद से और जो थाने के कुटमार रही वो भी पुलिस जे मुलाजम आई विटनेस है कमिश्नर साहब तो सानू भी नहीं पूछना चाहिए जनता को रस्ता होंगे जनता पुलिस पुलिस को जाती है पुलिस अगर साढ़े दरवाजे बंद कर लेंगे इंसाफ नहीं देंगे तो फिर अदालतें बनी है लास्ट रस्ता अदालतें होंगी मगर पुलिस परचा क्यों नहीं दर्ज करेगी जो मूवी बनी है पिक्चर बन गई सारे शहर ने देख लिया कि मारकुटाई हुई आम आदमी पार्टी के वलंटियर्स के साढ़े 4 वलंटियर्स जी जो ऋषि तो बहुत ज़्यादा कुटमार हुई वरुण राणे थाने के कुटमार हुई इस तरह साढ़े 3 जे दीक्षित तवन परचा दर्ज कर दिया गया ऋषि से कर दिया गया महाजन से कर दिया गया वो परचे प्लीज़ इमीजिएटली कैंसल किया। देखो इस तरह है 13 तारीख का वाक्य हो गया और अज 24 तारीख हो गई 11 दिन हो गए असी पुलिस प्रशासन को 15 तरीक न 16 तरीक न मैमोरेंडम भी दिता तो इन्होंने कहा पुलिस कमिश्नर DC DSP साहब ने DCP साहब ने कि तुहाड़ियां मंगां ते असी अगे इंक्वायरी बिठाती
तो जल्दी ही प्रशासन इतने संज्ञान ले लेगी। लेकिन ये असी नहीं कह रहे थे, तो सुते पे है कन्न तो जू नहीं रेंग रही और ना दस रहेगी पुलिस प्रशासन की किया है नहीं किया। मतलब साढ़े बंदियां ते कौंसलर दे घर दे बाहर मार कुटाई हुंदी है, बंदियां नू सरेआम कुटिया जांदा हैगा। फिर जिसले असीं थाने पहुँचते रिपोर्ट दर्ज कराने वास्ते साढ़े वलंटियर पहुँचते हैं, उन्होंने थाने दे विच भी कुटमार की जाती हैगी है, सारे सबूत CCTV कैमरे दे विच मौजूद हैगे है। लेकिन मनभागा गल हैगी है कि परचे जिन्हां ते होने चाहिए सी उन्होंने तो कोई परचा नहीं होया, उल्टा साढ़े चार वलंटियर से ST एक्ट का झूठे परचे दर्ज कर दिए जाते हैं जिन्होंने कुटिया थाने दे विच, पुलिस प्रशासन की परवाह नहीं की। होना तो उन्होंने बरी है वो बार होना तो कोई कार्रवाई नहीं। साड़ी चेतावनी है पुलिस प्रशासन कि तुसी कोई लोकल MLA की तनखा नहीं लेंदे, वो सोनी साहब जो मंत्री है उन्होंने को पैसे नहीं लेंदे, कैप्टन साहब के मुलाजम नहीं हो, कांग्रेस के मुलाजम नहीं हो, तुसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुलाजम हो, पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजम हो, तुसी अपनी ड्यूटी क्यों नहीं करते। जब असं कह रहे हैं कि जोड़े बंदे दोषी है तुसी होना तो कार्रवाई करो, सख्त सख्त कार्रवाई करो, उस करके असी सारे अच्छ कट्ठे हुए है। तो ACP साहब को मिलेंगे, जाके गल करांगे, देखते हैं कि करते है, लेकिन असी भी इन्हों चैन नाल बैठन नहीं देवांगे। पुलिस को अपने फर्ज अदा करने पैणगे। इन्होंने छाती तो लिखे सत्तवें जेते बिल लाया हो, बिले लाए हुए शुभ कर्म से कभी ना डरूं, और जिसले झूठी FIR दर्ज करते हैं तो हाथ नहीं टुट जाते, हाथ कम नहीं जाते, किवें लिखता कोई ऑफिसर, किवें कोई वो झूठी दरखास्त कर जाता है। असी ऐसा बिल्कुल नहीं हो देवे। जो आप समझते कि आम आदमी पार्टी चुपचाप बैठ जाएगी, सर तुहानू तुहाडा फर्ज अदा करना पेगा, असी तुहाडे नक्क च दम कर देवांगे। देखो असी प्रशासन को फिर चेतावनी दे रहे हैं कि आ जिहड़े परचे जिहड़े भी व्यक्ति दोषी है जिन्होंने कुटमार थाने की है वो घर के बाहर की है, कौंसले घर के बाहर की है, हुण ते परचे दर्ज करो। जे नहीं करते तो आने वाला कोई भी स्टैप होएगा, साढ़े 2-3 MLA फिर कल परसों आ जाएंगे, फिर पब्लिक भी अनरेस्ट होएगी। असी ना पब्लिक नूं अनरेस्ट करना चाह रहे हैं, ना असी चाह रहे हैं प्रशासन भी आराम नाल चले, लेकिन इन्होंने अपना फर्ज अदा करना पेगा। फिर अगे जो होएगा सारी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की होएगी, साड़ी कोई जिम्मेवारी नहीं है, साड़ी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आ गेंद हुण पुलिस प्रशासन के कोर्ट के विच पई है कि वह इंसाफ करे, इंसाफ करे। साढ़े बंदे ते 2 घंटे परचे दर्ज कर रहे हैं, अज इन्हों 11 दिन हो गए, इन्हों को ना इंक्वायरी की जाती है, ना वो फाइंड आउट किया जाता है, ना वो बंदे हाथ नहीं लाए जाते। आ सिर्फ एक पोलीटिकल दखल है, पोलीटिकल परचे दर्ज किए गए हैं। असी पुलिस प्रशासन की नक् च दम कर देवे, इन्हों अपने फर्ज अदा करने पैणगे, हर हालत अदा करने।